फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 9 जून और ट्यूसडे। मैं हमेशा भूल जाती हूँ डेट, हमेशा मैं भूल जाती हूँ, इसलिए कैलेंडर के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ आज 9 जून है। और आज मुझे एक महीना हो गया, एक मंथ कंप्लीट हो गया यूट्यूब में आकर। मैं मदर्स डे में 8 को खोली थी मेरी चैनल, और कल ही हुआ, पर आज मेरे हस्बैंड की कल तो पानी पूरी के चक्कर में मैं सोच रही थी कल बोलूंगी, पर वो चक्कर में मैं भूल गई कल वो बोलना के लिए, इसलिए मैं आज बोल देती हूँ। और कल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ हमारा पानी पूरी वीडियो। मेरा तो अभी तक मुंह और जो ऊपर का पार्ट है ना, माउथ का, वो जल रहा है। एक छाला होता है ना, छाला पड़ गया है, पता है। वो ज्यादा ही मैं जल्दी 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 खा लिया ना, वो जो पूरी का वो जो कड़क कड़क होता है ना, वो शायद लग गया, क्या हो गया पता नहीं, पर वो छाला पड़ गया है। एक दो दिन लगेगा कर ठीक होने में। और आज मैं बनाऊंगी अभी लंच। सुबह से तो हस्बैंड के लिए ड्रमस्टिक आलू फ्राई मसूर दाल राइस उनको दे दिया, और वो भी बोले आज मुझे कुछ लाइट ही ब्रेकफास्ट दो, तो वो ओट मिल्क खा कर चले गए। बच्चों ने ब्रेड टोस्ट और एक फ्राई करके दे दिया बच्चों को। मुझे भी आज जैसे ज्यादा, हमारा भी आज ब्रेकफास्ट का कुछ ठिकाना नहीं, कौन कुछ खाया। मैं चाय के साथ ब्रेड टोस्ट करके खा लिया आज। और अभी बनाऊंगी चिकन। कल रात को मैं 9 बजे 10 बजे चिकन ऑर्डर की थी, और आज सुबह सुबह 8 बजे ही आ गया। मैं फास्ट लॉट ही इसलिए ऑर्डर कर दी थी, आ गया है। उसको क्लीन करके रख दिया, आधा क्लीन करके रख दिया था। मैं जब नॉनवेज लाती हूँ, चिकन हो फिश हो जो भी हो, मैं अच्छे से उसको रनिंग वाटर में क्लीन कर लेती हूँ, और थोड़ी देर में एक घंटा या आधा घंटा के लिए जितना टाइम होता है मेरे पास। आज जल्दी आ गया था इसलिए मैं एक घंटे से उसका हल्दी और नमक के साथ थोड़ा सा ऐसे मिला के रख दिया था, और अभी उसको वॉश कर दूंगी। तो एक नॉनवेज का एक रॉ स्मेल होता है ना, फिश हो चिकन हो, मटन में इतना नहीं होता, पर फिश चिकन दोनों में और क्रैब जो भी नॉनवेज का स्मेल में थोड़ा सा उसका स्मेल चला जाता है, मतलब पूरा तो नहीं जाएगा पर थोड़ा सा चला जाता है, और थोड़ा अच्छा भी लगता है जैसे कुक करने का टाइम थोड़ा अच्छा। और मेरा बहुत पुराना आदत है, मैं ऐसे ही करती हूँ, अभी कोरोना की वजह से नहीं, मैं वैसे भी करती हूँ, हल्दी और नमक के साथ धो लेती एक बार। तो आज बनाऊंगी मैं चिकन, और चिकन हम लोग बहुत टाइम से खाए भी नहीं थे, बस सावित्री के नेक्स्ट डे ही मैं बनाई थी चिकन। और मेरा बेटा बेटी दोनों को चिकन मीट ज्यादा पसंद है, फिश से फिश भी पसंद है, पर मीट आइटम थोड़ा ज्यादा पता है क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें बोन नहीं रहता है, इसलिए कांटा बोलते हैं जो फिश का कांटा जो बोलते हैं, वो नहीं रहता, इसलिए थोड़ा चिकन मटन ऐसा पसंद है बच्चों को। मुझे फिश, मुझे बहुत पसंद है फिश, क्योंकि फिश मुझे तुम दो टाइम भी दे दो फिश राइस मैं खा लूंगी। चिकन मटन खाती हूँ पर इतना ज्यादा पसंद नहीं। और चिकन आज क्या बनाऊंगी बच्चों को पूछा तो बच्चों ने बोला कि बहुत दिन से कबाब नहीं खाए, कबाब बनाओ। कबाब इधर तो बेंगलोर में कबाब बोलते हैं, पर हमारा उड़ीसा में उसको बोलते हैं चिकन पकोड़ा। कबाब के लिए पहले मैरिनेट करके रख दूंगी, उसके बाद सोचूंगी राइस में क्या बनेगा, प्लेन राइस बनाऊं या ऐसे मिक्स करके पलाऊ, वन पॉट मिल जो होता है ऐसे ही बना दूंगी, भी तो इजी है। और दाल है, दाल भी है, थोड़ा दाल है, क्योंकि मैं सुबह ज्यादा दाल नहीं बनाती हूँ, थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी ना दाल नहीं खाएंगे तो वो दाल रहता है ना ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, सेम टाइम दाल थोड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है, इसलिए हबी के लिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, जब ज्यादा थोड़ा हो जाता है तो रह लेता है, और आज भी है थोड़ा है दाल, इसलिए सोच रही हूँ क्या बनवा। अगर कबाब बनाएंगे तो दाल चाहिए, और अगर ऐसे ग्रेवी वाला कुछ आइटम बना देती हूँ तो दाल नहीं चाहिए, जितना है उतना में हम लोगों का हो जाएगा, और थोड़ा ग्रेवी मिला के। पर क्या करूँ, कबाब तो खाएंगे, बच्चे बोले ग्रेवी आइटम आज नहीं खाना है, कबाब खाना है, तो कबाब बनाऊंगी, इसलिए थोड़ी देर आधा घंटा पहले ही मैरिनेट करके रख दूंगी। अगर वो जैसे हमारा लाइव चिकन आता है ना, तो थोड़ा उसको एक दो घंटा पहले ही मैरिनेट करेंगे तो थोड़ा टेंडर होने में अच्छा है, पर ये तो टेंडर चिकन है तो इतना उसको टेंडर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आधा घंटा पहले भी आप अगर मैरिनेट करके रख देंगे तो वो अच्छे से कुक हो जाता है, अच्छा लगता है, सॉफ्ट रहता है, जूसी रहता है। और बाकी जो नॉर्मल जो चिकन हम लोग कट करके लेकर आते हैं उसमें, उसको थोड़ा दो घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले मैरिनेट करके रखेंगे तब भी वो अच्छे से टेंडर होता है और थोड़ा जूसी बनता है। तो चलिए फिर मैं अभी किचन में चलती हूँ और बनाते आज चिकन कबाब। चिकन कबाब रेसिपी तो सबको शायद मालूम होगा, फिर भी मैं कैसे बनाती हूँ मेरी स्टाइल में एक बार दिखा दूंगी आपको,
और राइस में क्या बनेगा किचन में जाकर ही मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं की हूँ। मैं झटपट ऐसे ही डिसाइड कर लेती हूँ, ऐसे मुझे रात से या दो दिन से पहले नहीं सोचती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। बच्चों ने अगर कुछ फरमाइश किए, कुछ इच्छा किया उनके लिए खाने के लिए, तो उनका पसंद से बनाती हूँ, नहीं तो मैं इंस्टेंट ही कुछ बना लेती हूँ फटफट सा। तो चलिए फिर चलते हैं मेरी फेवरेट प्लेस किचन में। करेंगे हम चिकन मैरिनेशन कबाब के लिए। ये तेजू का चिकन कबाब पाउडर है, इंस्टेंट पाउडर है। इसके बदले में आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, पर ये रेडीमेड मिल जाता है इधर बेंगलोर में, तो मैं यही यूज करती हूँ। और एक स्पून विनेगर डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो स्पून डाली हूँ मैं, और एक एग, और एक स्पून चिली पाउडर डाली हूँ। अब स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब मैं सारा चीज़ को अच्छे से मिलाकर मैरिनेट करके रख दूंगी। मैं चिकन लेग पीस का अंदर जो कट लगाई उसके अंदर भी मसाला भर रही हूँ। हो गया मेरा मैरिनेशन। अब मैं इसमें फॉइल लगा के एक घंटा या 45 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रख दूंगी। आप इसे नॉर्मल कवर भी कर सकते हो फॉइल लगा नहीं है तो। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया मैंने, कबाब के लिए जो मैरिनेशन चाहिए उसको मैं रख दिया फ्रिज में 45 मिनट्स या एक घंटा रखूंगी मैं इसको। और बच्चों ने भी बोला है कि चिकन कबाब के साथ चिकन बिरयानी खाना है, तो बना देंगे बिरयानी। बिरयानी क्या, बिरयानी बोलो या पुलाव बोलो, जैसे मैं मिक्स करके बनाती हूँ जल्दी जल्दी में वो ही बना लूंगी। सारे बाउल में चिकन, कर्ड, धनिया पत्ता, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक ही साथ में मैरिनेट करके राइस डाल के पुलाव की तरह ही बना देती हूँ, और वो भी खुशी से खा लेते और बोले मामा चिकन कबाब के साथ बिरयानी अच्छा लगेगा। मैंने ठीक है बना देंगे। तो चलिए देखते हैं चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेशन में क्या क्या जरूरत पड़ता है। ये इजी मेथड है, जल्दी जल्दी भी हो जाता है, और ये बैचलर के लिए ना बहुत अच्छा है। ये जरूर बनाइए, जो जो बैचलर रहता है या वर्किंग मॉम है, वर्किंग लेडी है, उनके लिए भी ये बहुत ही इजी मेथड है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं करूँगी चिकन बिरयानी के लिए मैरिनेशन। पहले मैं चिकन ले लूँगी, और अब मैं लूँगी हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये बिरयानी मसाला है, और थोड़ा ग्रीन चिल्ली लूँगी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं तीन स्पून ली हूँ, और एक कटोरी दही, एक कटोरी धनिया पत्ता, और ये कस्तूरी मेथी है इसको भी मैं डाल दूँगी, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल के अच्छे से मैरिनेट करके और अभी मैं थोड़ा सा ऑयल दूंगी। ऑयल को भी मिलाकर मैरिनेट कर दूंगी। बस अब हो गया मेरा मैरिनेशन। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए।
अब प्याज को कट करूँगी बिरयानी के लिए। मैं दो प्याज ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब मैं थोड़ा ड्राई स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ, ये है दालचीनी और 4-5 लौंग, 3 इलायची, थोड़ा सा सौंफ 1/2 स्पून, और ये स्टार अनियन से, और ये थोड़ा ब्लैक पेपर, बस इतना यूज़ करूँगी। अब कढ़ाई हांडी में बिरयानी तेल दे दूँगी, बीच में थोड़ा जीरा तड़का लगा के, थोड़ा जीरा क्रैकल होने के बाद ये ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी और थोड़ा फ्राई कर दूँगी। अब मैं इसमें प्याज डाल के प्याज को भी भून लूँगी पूरा ब्राउन होने तक। थोड़ा सॉल्ट दे दे दूँ ताकि जल्दी ब्राउन भून जाए। अब कवर लगा के रख दूँगी, थोड़ा पानी पी रही हूँ। हो गया मेरा प्याज फ्राई। अब मैं डाल दूँगी पूरा जो मैरिनेट करके रखी थी चिकन, पूरा डाल दूँगी। ये प्रोसेस तो बहुत ईजी है। अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। आधा भुनना हो गया हमारा चिकन। अब तो हो गया चिकन भुनना। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, थोड़ी देर के बाद डालूँगी। हाँ अब डाल दूँगी। मैं 3 ग्लास चावल ली हूँ इसलिए 6 ग्लास पानी डाली हूँ। डबल क्वांटिटी का पानी चाहिए, जितना चावल उसका डबल पानी। अब इस बीच में मैं ये चिकन कबाब के लिए जो मैरिनेट की थी इसको कबाब बना दूँगी। अभी तेल भी गर्म हो चुका है, मैं सारा पीसेस जो जो चाहिए जितना चाहिए उतना पीस फ्राई कर दूँगी। कबाब तो गरम गरम ही फ्राई करके खाने में ही अच्छा लगेगा, इसलिए जितना खाऊंगी उतना डालूंगी और बाकी मैं रख दूंगी, रात को करूंगी गरम गरम, नहीं तो कल सुबह करूंगी। ये मैरिनेट करके आप चिकन को 1-2 दिन रख सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है। पानी भी उबाल आ गया पानी का। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। थोड़ा सा ऐसे हिला के ढक्कन लगा दूंगी। इस बीच में मेरा कबाब भी फ्राई हो चुका है एक तरफ से, और एक तरफ से फ्राई होगा। बहुत अच्छा ही कलर आया है। राइस का हो गया, अभी तो उसको स्लो में डाल दूंगी। कबाब हो गया, अभी निकाल दूंगी सारे कबाब को। रेडी हो गया है मेरे चिकन कबाब और बिरयानी भी रेडी हो गया है। ये बिरयानी बहुत इजी मेथड है, आप जरूर ट्राई कीजिए। बिरयानी बनाना हो गया, अब खाएंगे लंच। बच्चे भी वो तो शुरू कर दिए ऑलरेडी, क्योंकि बिरयानी हुआ है, अब तक वेट नहीं करेंगे। और ये बिरयानी बहुत अच्छा लगता है ऐसे करेंगे तो, मैं भी खा लेती हूँ।
देखते कैसे हुआ है, टेस्ट कैसा है माँ? अच्छा है बाबू, यम्मी। उनको तो बिरयानी मतलब यम्मी। और बेंगलोर में ये बिरयानी के साथ ये कबाब मतलब फेमस बोलते हैं ना, फेमस, ये बेंगलोर का फेमस है। अभी और इंतजार नहीं होता, मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा हुआ है। यम्मी, बहुत यम्मी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।